हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद आज व्लॉग बना रही हूँ, जिसे मैं बताने वाली हूँ कि आप अपनी आर्ट को, अपनी पेंटिंग को कैसे पैक करें, जिससे कि सेफली आपके कस्टमर तक आपकी पेंटिंग पहुँच सके, आपके पेंटिंग को कोई कोई डैमेज ना हो आपके पेंटिंग या प्रोडक्ट को। पेंटिंग को पैक करने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आज वही बताने वाली हूँ आप सभी को। तो वीडियो एंड तक देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगी पेंटिंग को पैक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि मैं कौन सा कैनवास यूज़ करती हूँ, कौन सी कैनवास शीट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में अपनी कैनवास शीट यूज़ की है। तो मैं यूज़ करती हूँ रोलिंग कैनवास। तो जो रोलिंग कैनवास होता है, आप उसको कट करके कोई सी भी कितने भी साइज़ का, अपने लिए जिस साइज़ का आपको अपनी पेंटिंग बनानी है उस साइज़ का आप काट सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास रोलिंग कैनवास है, ये तो ये है रोलिंग कैनवास, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो कैनवास शीट आती है वो डिफरेंट डिफरेंट ओज की आती है, तो मेरे पास जो है ये 10 ओज की है, तो 8 ओज, 10 ओज, 12 ओज। तो 12 ओज जो है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी या कह सकते हैं उसको, तो मेरे पास है जो 10 ओज की है। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग पैक करना। सो यू मस्ट हैव दिस एयर बबल पॉली एंड दिस ब्राउन पेपर, टेप, सीजर एंड अ पॉली बैग, लास्ट में जिसे हम पैक करके भेजेंगे। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैकिंग। तो हम इसकी पैकिंग करेंगे आज। तो पहले हम ये यूज़ करेंगे ब्राउन, तो हम पॉली को भी हटा देते हैं। इस तरह से कट कर लेंगे हम ब्राउन शीट को। फिर पूरी पेंटिंग को कवर कर लेंगे ब्राउन शीट से और फिर टेपिंग। आपकी मर्ज़ी है टेपिंग आपको रोलिंग में करनी है या आपको टेप कट करके लगानी है। तो इस तरह से हम पूरी टेप को पेंटिंग के चारों तरफ लगा लेंगे। और फिर हम यूज़ करने वाले हैं एयर बबल रैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए। इस तरह से हमने इसको पैक कर लिया है और अब इसकी हम टेपिंग कर लेंगे, सेम टेपिंग चारों तरफ से इसको रोल कर लेंगे हम। लास्ट में हम यूज़ करेंगे पॉली बैग। इस पॉली बैग में हम इस प्रोडक्ट को डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना बिल पेपर, एड्रेस, नेमिंग, जहाँ आपको पहुँचाना है, डिलीवर करना है वो। और इस टेप को रिमूव करके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। और आप एक्स्ट्रा टेप भी यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से पैक करने के लिए। तो गाइस, पेंटिंग पैक हो चुकी है जैसा आप सभी को पता है। तो बस इस पैक अभी मेरे को ये फाइनल करना है। अभी मैंने इसमें नेमिंग नहीं किया है कहाँ जाएगा ये प्रोडक्ट, तो ये सब करना है लास्ट। देन उसके बाद ये पैक हो चुका है और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ब्राउन का, जो ब्राउन बॉक्स यूज़ होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से ये पॉली बैग लगा सकते हैं या अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। जो ग्लास प्रोडक्ट होता है उसे आपको थोड़ा सा और सेफली करना पड़ेगा। उसके लिए आप बॉक्स, जो ब्राउन बॉक्स होता है
उसका कार्डबोर्ड जो ब्राउन बॉक्स होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो पेंटिंग है वो ग्लास में है, ग्लास यूज़ किया है आपने उसमें, तो अदरवाइज दैट इज़ इनफ इसके लिए। और कैसी लगी है आपको ये मेरी वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग आर्ट और पेंटिंग तो को मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। तो गाइज वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके बाय।